नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू एस्पिरेंट चैनल पे। मेरा नाम है सुधीर। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए, वेस्टर्न घाट फिर से न्यूज़पेपर्स में आ गया है। इको सेंसिटिव एरिया नॉर्म्स वेस्टर्न घाट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं। अभी एक ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लेके कर्नाटका गवर्नमेंट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसका विरोध कर रही है। तो डिटेल्स समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। इको सेंसिटिव नॉर्म्स क्या बनाए गए हैं वेस्टर्न घाट के लिए, क्यों कर्नाटका विरोध कर रहा है, उसके अलावा के कस्तूरी रंजन कमेटी की क्या इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थे वेस्टर्न घाट को लेके, डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको हिस्ट्री एंड कल्चर की क्लासेस देखनी है तो अन अकेडमी पर अभिषेक श्रीवास्तव सर की क्लासेस देख सकते हैं। कूपन कोड है TT100 करके। नाउ, कर्नाटका ज़बरदस्त तरीके से अभी इस ड्राफ्ट का विरोध कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए वेस्टर्न घाट के लिए तैयार किया है। वेस्टर्न घाट में जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अभी तैयार किया है रिपोर्ट, इस रिपोर्ट में एक्चुअली के कस्तूरी रंजन ने जितना 2013 में रिकमेंडेशन किया था, 2013 में एक कमेटी बनी थी के कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्या उसको इको सेंसिटिव जोन घोषित करना चाहिए वेस्टर्न घाट को, इसके लिए कमेटी बनाई गई थी। दो कमेटी थी, एक माधव गडगिल और एक है के कस्तूरी रंजन कमेटी। तो दोनों लोगों ने कहा था कि यस बिल्कुल, आप वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दीजिए। माधव गडगिल को लेकर तो बहुत विरोध हो गया था, उसके बाद सरकार ने उस कमेटी के रिकमेंडेशन को वापस ले लिए थे। लेकिन बाद में के कस्तूरी रंजन कमेटी बनी जिन्होंने तकरीबन 60% एरिया के आसपास एरिया को वेस्टर्न घाट के इको सेंसिटिव जोन घोषित करने का जो है एक रिकमेंडेशन दिया था, उसी को सेंट्रल गवर्नमेंट मानने के लिए तैयार थी अभी वाली। लेकिन कर्नाटका इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। अभी देखो, ये वेस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट के बारे में आपको एक बात बता दें कि देखो, एक बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया था कि ये बताइए कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं। तो सबसे पहले आप देख लो कि यहाँ पे टोटल जो है 6 स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, उसके बाद कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला। ओके, तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तमिलनाडु और केरला, ये टोटल 6 स्टेट हैं जो वेस्टर्न घाट में आते हैं। तो आप ये भूलना नहीं, ये क्वेश्चन आया था UPSC में। टोटल कवर करता है कितना एरिया वेस्टर्न घाट, 1500 किलोमीटर का जो है कोस्ट, जो है कोस्टल एरिया को कवर करता है वेस्टर्न घाट। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा एरिया वेस्टर्न घाट का किस स्टेट में लगता है, तो सबसे ज़्यादा एरिया लगता है कर्नाटका में, उसके बाद महाराष्ट्र में लगता है स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से अगर हम लोग आगे बढ़ें तो समझें तो ये सबसे ज़्यादा एरिया कहाँ पर रिलाई करता है, वो है कर्नाटका में, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि किस स्टेट में सबसे ज़्यादा वेस्टर्न घाट फैला हुआ है, तो कर्नाटका में, फिर महाराष्ट्र में और फिर आता है आपका केरल, ठीक है। तो ये याद रखना आप, इतना इंपॉर्टेंट है। देखो, कई बारी डिफॉरेस्टेशन और माइनिंग एक्टिविटी को रोकने के लिए इससे पहले भी कई बारी ऐसे ऑन पेपर नोटिस जारी किए गए हैं, नोटिफाई किया गया। 3 बारी इससे पहले भी नोटिफाई किया गया कि डिफॉरेस्टेशन रोका जाए, यहाँ पर माइनिंग एक्टिविटी पर कंट्रोल किया जाए। पहली बारी 2014 में मार्च, फिर आता है सितंबर 2015 में, फिर तीसरी बार 2017 में, लगातार नोटिफिकेशन आते रहे, लेकिन सब कुछ ऑन पेपर ही रहा। कोई चीज़, इसका कोई अच्छा आउटकम निकल के नहीं आया कि वेस्टर्न घाट को प्रोटेक्ट किया जा सके। नाउ, अभी न्यूज़पेपर्स में क्यों है, अभी न्यूज़पेपर्स में इसलिए है क्योंकि यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने क्या कर दिया है, एक नोटिफिकेशन जारी किया, लेटेस्ट नोटिफिकेशन, एक ड्राफ्ट तैयार किया है इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया इन वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया हैं इनको जो है प्रोटेक्ट करने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसी के चलते कर्नाटका इसका ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है, ठीक है। अब देखो, ऐसा नहीं है कि पहली बारी हो रहा है, इससे पहले भी हो चुका है। कब हुआ था, जब माधव गडगिल कमेटी बनाई गई थी, तो अभी डिमार्केट किया गया है। सबसे ज़्यादा एरिया मैंने आपको बताया कर्नाटका में है, तो कर्नाटका ही इसलिए इसका विरोध कर रहा है। तो कर्नाटका कंटेन करता है लार्जेस्ट जियोग्राफिकल शेयर इन नोटिफाइड वेस्टर्न घाट। तो ये वाला फैक्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। इको सेंसिटिव जोन इन वेस्टर्न घाट, आप यहाँ पे देख सकते हैं 2013 में जो है एक कमेटी बनी थी, इसका नाम था कस्तूरी रंजन कमेटी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है। 2013 में कमेटी बनी थी, इन्होंने रिकमेंड किया था कि 37% जो वेस्टर्न घाट का एरिया है, तकरीबन 60,000 किलोमीटर, मैंने पहले 60% बोल दिया था, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, ये परसेंटेज याद रखना, 37% वेस्टर्न घाट जो तकरीबन 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है, इसको क्लासिफाइड कर दिया जाए एज अ इको सेंसिटिव जोन, ऐसा कहा था कस्तूरी रंजन कमेटी ने।
अभी इसी बात को इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश की जा रही है कि इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया जाए 37% एरिया ऑफ वेस्टर्न घाट को। तो इसी बात को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट राजी थी, लेकिन कर्नाटका जो है इसको लेकर बहुत ज़बरदस्त तरीके से विरोध कर रहा है। ओके, अब इको सेंसिटिव जोन क्या चीज़ होता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो वॉट इज इको सेंसिटिव जोन या इको सेंसिटिव एरिया क्या होता है भाई? देखो, इको सेंसिटिव एरिया या इको सेंसिटिव जोन दोनों सेम बात है। इकोलॉजिकली फ्रजाइल एरिया भी बोलते हैं ऐसे एरियाज को, ये नोटिफाइड किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट के द्वारा, यानी सेंट्रल एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, अराउंड प्रोटेक्टेड एरिया या किसी नेशनल पार्क के पास या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के आसपास का एरिया हो सकता है, जिसका मकसद होता है कि शॉक ऑब्जर्वर का काम करे। मतलब बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटी या किसी भी डिफॉरेस्टेशन के चलते जो एनिमल्स का खात्मा हो रहा है या प्लांट्स का जो खात्मा हो रहा है, इस चीज़ को रोकने के लिए एक या शॉक ऑब्जर्वर बनाने के लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई किया जाता है, खासकर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। ठीक है, ट्रांजिशन जोन के तौर पे काम करते हैं हाई प्रोटेक्शन एरिया, जैसे कोई नेशनल पार्क है या कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसके लिए एक ट्रांजिशन जोन का काम करते हैं, तो उनको हाई प्रोटेक्शन एरिया के तौर पे इन्वॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये एक बात हो गई। आगे बढ़ते हैं, कैसे डिमार्केट किया जाता है। देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या इको सेंसिटिव जोन नाम का कोई शब्द मेंशन किया गया है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, हमारे यहाँ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है ये मेंशन नहीं करता है कि कोई इको सेंसिटिव जोन टाइप का कोई वर्ड होगा। ठीक है, इको सेंसिटिव जोन टाइप का कोई वर्ड होगा, लेकिन यहाँ पे लिखा क्या है, यहाँ के सेक्शन 2 याद करने की ज़रूरत नहीं, 3 इसको याद करने की ज़रूरत नहीं। इसके तहत जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन रिस्ट्रिक्ट एरिया इन विच एनी इंडस्ट्री ऑपरेशन और प्रोसेस। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर सकती है किसी एरिया में, ऐसे एरिया में जहाँ पर इंडस्ट्री या कोई ऐसा ऑपरेशन हो रहा है जिसके चलते सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इससे इन्वायरमेंटल लॉस हो सकता है, तो वैसे एरिया में कुछ चीज़ें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोविड कर सकती है, रिस्ट्रिक्ट कर सकती है लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री एनी कैरिंग सर्टेन ऑपरेशन और प्रोसेस इन सर्टेन कंसिडरेशन। देखो, अब होता क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पेड़ नुकसान हो जाएगा, यहाँ पे एनिमल्स को नुकसान हो जाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये बात कहता है। तो अब इसी के तहत जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित कर रहे हैं। ऐसा कोई इको सेंसिटिव जोन टर्म नहीं है, लेकिन इस एक्ट की मदद से सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कर पाती है। ओके, चलो, डेफिनेशन कैसे है इको सेंसिटिव जोन के बाउंड्री का। 10 किलोमीटर तक हो सकता है किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास, किसी भी प्रोटेक्टेड एरिया के आसपास 10 किलोमीटर का एरिया जो है इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जा सकता है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी 2002 के अंतर्गत। तो एक 2002 में एक वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्ट्रेटजी आई थी, जो कि 1986 के एक्ट से ही अपनी बातों को डराइव करती है, इसके लिए कोई अलग से एक्ट नहीं है। और इसी के तहत बताया गया कि देखो, 10 किलोमीटर तक का एरिया किया जा सकता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है तो वो इससे ज़्यादा भी एरिया को शामिल कर सकती है। ठीक है, तो ये बात इको सेंसिटिव जोन के बारे में है जो आपको पता होना चाहिए। कुछ चीज़ें परमिट हैं, कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, कुछ चीज़ें रेगुलेशन में है इसके तहत। अब परमिटेड क्या है इको सेंसिटिव जोन, अगर मान लो आपने कहीं पर घोषित कर दिया तो वहाँ पर क्या चीज़ें परमिटेड हैं। पहली बात तो है एग्रीकल्चर जो चल रही थी वो परमिटेड है, हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिसेस, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, यूज़ ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, अडॉप्टेशन ऑफ ग्रीन टेक्नोलॉजी फॉर ऑल द एक्टिविटीज़, तो ये सब परमिटेड है। प्रोहिबिटेड क्या है, प्रोहिबिटेड है कॉमर्शियल माइनिंग, उसके अलावा कुछ टाइप के मिल्स, उसके अलावा इंडस्ट्रियल जो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अभी मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पे ही बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है यहाँ पे वेस्टर्न घाट में। ये लोग कह रहे हैं कि अभी आप ये बंद कर देंगे तो हम मेजर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है वेस्टर्न घाट में कर्नाटका में वो भी बंद हो जाएगी, तो ये गलत बात है। कॉमर्शियल यूज़ ऑफ फूड्स, टूरिज्म एक्टिविटीज़, हॉट वाटर, एयर बलून्स वगैरह, ये सब जो है ये सब प्रोहिबिटेड है पूरी तरीके से। रेगुलेशन में आप क्या कर सकते हैं, आप होता है कई बार पेड़ जो है कुछ पेड़ काटने पड़ते हैं, कुछ पेड़ जो है काटने लायक हो जाते हैं, कुछ पेड़ गिर जाते हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। होटल एंड रेस्टोरेंट वगैरह जो है रेगुलेटेड मैनर में आप लगा सकते हैं यहाँ पर।
कॉमर्शियल यूज ऑफ नेचुरल वाटर, इसको भी बहुत आप एनओसी लेना पड़ेगा एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री से, उसके बाद आप कर सकते हैं इलेक्ट्रिक केबल्स। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी जो हैवी टेक्नोलॉजी पेस्टिसाइड वगैरह का आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटेड मैनर में आप कर सकते हैं। तो कुछ अंडर रेगुलेशन में कर सकते हैं, कुछ कम्प्लीटली प्रोहिबिटेड है, और कुछ परमिटेड है इको सेंसिटिव जोन के एरियाज में। ओके, अब अगला क्वेश्चन आता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है क्यों इससे इतना डर रही है। तो इससे इसलिए डर रही है क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को कुछ चीज़ें बैन करनी पड़ेगी। अगर इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया ऑफिशियली, तो कुछ चीज़ें इनको बैन करनी पड़ेगी। जैसे जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन है वो कहता है कि देयर शैल बी अ कंप्लीट बैन ऑन माइनिंग। माइनिंग नहीं कर पाएंगे, माइनिंग से पैसा आता है, रिसोर्स बनता है, तो आप माइनिंग बंद करवा देंगे तो जाहिर सी बात है किसी भी तरीके का फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं होगा, इंडस्ट्री डूब जाएगी वहाँ की। उसके अलावा क्वेरिंग, सैंड माइनिंग, ये सब जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया। और जो भी एग्जिस्टिंग माइंस हैं वो भी फेज्ड आउट कर दी जाएंगी विद इन 5 ईयर, 5 सालों के अंदर ही ख़त्म कर दी जाएंगी। ठीक है, उसके अलावा थर्मल पावर प्रोजेक्ट नए जो हैं उन पर बैन लगा दिया गया, नए नहीं होंगे। और सभी रेड कैटेगरी वाली इंडस्ट्रीज, एक रेड कैटेगरी ग्रीन कैटेगरी की अलग अलग इंडस्ट्रीज होती हैं, तो जितनी भी रेड कैटेगरी की इंडस्ट्रीज हैं उनको पूरी तरीके से यहाँ पे बैन कर दिया जाएगा। कोई नई रेड कैटेगरी की इंडस्ट्री नहीं लगाई सकती। कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू टाउनशिप एंड एरिया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट विज ऑल्सो भी प्रोहिबिटेड इन दिस एरिया। तो टाउनशिप, नए टाउनशिप, एरिया ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, ये भी आप नहीं कर सकते। ऑरेंज कैटेगरी की इंडस्ट्रीज जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स में स्कोर 41 से 60 के बीच में होता है, जैसे कि जूट प्रोसेसिंग, और वाइट इंडस्ट्री जो कि पोल्यूशन नहीं क्रिएट करती हैं, उनको भी स्ट्रिक्ट कॉम्प्लायंस के साथ जो है इनको लगा सकते हैं। मतलब उनको स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस मिलेगा, उन गाइडलाइंस के थ्रू जो है ये अपनी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन रेड इंडस्ट्री पूरी तरीके से बैन होगी जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर रही होगी, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैन कर दी जाती है इस एरिया में। तो कर्नाटका क्यों विरोध कर रहा है? क्योंकि उनको लगता है कि कस्तूरी रंजन कमेटी से अगर हम इस कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो गांव के जो लोग जो पेड़ों पर जीवन यापन करते हैं, पेड़ों पेड़ से उनका पूरा जीवन चलता है, जाते हैं शहद लेके आते हैं, पेड़ों से कटाई करते हैं और उससे खान पान चलाते हैं अपना, कुछ लोग खेती भी करते हैं, तो उन सब लोगों के ऊपर अननेसेसरी का रेगुलेशन लग जाएगा जो कि उनकी लाइफ को बहुत ज़बरदस्त तरीके से प्रभावित करेगा। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट लगातार इन गाइडलाइंस का भी विरोध करती रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के इस ड्राफ्ट का भी विरोध करी है। हमसे जुड़ने के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप का भी ये लिंक है, ज्वाइन कर सकते हैं हमसे, और व्हाट्सएप से आप हमसे जुड़ने के लिए ये नंबर है व्हाट्सएप का, आप इस पर हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।